हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपद का प्रश्नावली 2.2 में प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1, P2 ज्ञात कीजिए। प्रत्येक बहुपद में क्या करना है, एक बार y का मान 0 रखना है, एक बार 1 रखना है, एक बार 2 रख के हमें इस समीकरण का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए पहले हम p बराबर 0 ले रहे हैं y की जगह पे, तो क्या होगा, y की जगह पे 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। इसको हल करेंगे क्या आएगा, 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0 प्लस 1, 0 से 0 घटाएंगे 0 आएगा, 0 में प्लस 1 जोड़ेंगे 1 आएगा, ये हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा। इसी में 1 रख के देखेंगे, एक बार पी का मान 1 रख के देखेंगे तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 में वाई 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है माइनस 1 प्लस 1। ए माइनस है, ए प्लस का है, ए प्लस का है, प्लस प्लस आपस में जुड़ जाएंगे 2 हो जाएंगे, और माइनस का 1 घटेगा तो क्या आएगा, हमारा 1 आएगा। अगर हम पी का मान 1 रख रहे हैं तब भी 1 आ रहा है, अब हम पी का मान 2 रख के देखेंगे, वाई का मान 2 रख के देखेंगे, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, माइनस 2 प्लस 1, 4 1 5, 5 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे टी का मान क्या रखना है, एक बार 0 रखना है, एक बार 1, एक बार 2 रख के इनका मान ज्ञात करेंगे। देखेंगे पी टी का मान एक बार 0 रख के देख रहे हैं, 2 प्लस 0 प्लस 2, टी का 0 का स्क्वायर माइनस टी का 0 का क्यूब, ना होगा 2 प्लस 0 प्लस 0 का स्क्वायर 0, और 0 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ हमारा यहाँ माइनस है, 0 का क्यूब 0, क्या आएगा, ये सब 0 है, यहाँ प्लस का 2 है, इसमें जोड़े या घटाएंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। एक बार हम इसमें क्या रखेंगे, 1 रख के देख रहे हैं, 1 रख के देखने पे क्या आएगा, हमारा टी का मान क्या रखेंगे, 1, 2 प्लस 1 प्लस 2, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब ही होगा इसमें रखेंगे, तो देखेंगे 2 प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 में मल्टीप्लाई होगा तो 2 ही आएगा, माइनस 1 का क्यूब 1, ए प्लस वाला एक जगह जुट जाएगा, 2 2 4 1 5 होगा, 5 से 1 घटाएंगे कितना बचेगा, 4। यहाँ नेक्स्ट देखेंगे इसका, एक बार पी टी का वैल्यू एक बार 2 रख के देखेंगे, समीकरण है इसमें रख के देखेंगे, 2 प्लस टी का वैल्यू 2 रखेंगे, प्लस 2 टी का वैल्यू 2 रखेंगे, माइनस 2 का क्यूब, 2 प्लस 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना के 8, माइनस 2 का क्यूब 8 होगा, यह प्लस का है सब जुट जाएगा, 2 2 4 8 4 12, 12 माइनस 8,
12 से 8 घटेगा कितना बचेगा, 4। इसका क्या आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, x का वैल्यू 0 रख के एक बार देखेंगे, 1 रख के देखेंगे और 2 रख के देखेंगे। 0 रख के देख रहे हैं x का वैल्यू 0, 0 का क्यूब हमारा क्या आएगा, 0 का क्यूब 0 आएगा। ऐसे ही 1 रख के देखेंगे x का वैल्यू, 1 का क्यूब हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 आएगा। 2 रख के देखेंगे x का वैल्यू, तो x का वैल्यू अगर हम 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब हो जाएगा, 2 का क्यूब हमें पता है 8 होता है, ये हमारा क्या होगा। इस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, x का वैल्यू 0 रखेंगे, 1 रखेंगे और 2 रख के इस समीकरण को हल करेंगे। x का वैल्यू 0 रख के पहले देख रहे हैं, यहाँ x का जगह पे 0 रखेंगे या माइनस का 1 है ब्रैकेट बंद, या 0 प्लस 1 है, यही होगा। 0 से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस का 1 ही आएगा, और 0 में प्लस 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, प्लस का 1 आएगा। ब्रैकेट हटेगा तो माइनस का 1 गुड़े ये प्लस का 1 गुड़ा हो जाएगा, माइनस और प्लस 1 का गुड़ा होगा तो क्या आएगा, यहाँ प्लस का है यहाँ माइनस का चिन्ह है, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो हमारा माइनस आता है, और 1 का गुड़ा 1 में होगा तो हमारा 1 आएगा, यही हमारा क्या होगा इसका आंसर होगा। अब हम इसमें 1 रख के देखेंगे, 1 रख के देखने पे क्या आ रहा है, x का वैल्यू 1 रखेंगे, 1 प्लस 1 होगा, 1 में से 1 घटाएंगे 0 होगा, मल्टीप्लाई यहाँ पे 1 और 1 का प्लस होगा तो 2 होगा, तो 2 का मल्टीप्लाई 0 में होगा, तो जब किसी संख्या से 0 में गुणा करेंगे 0 आएगा। अब हम x का वैल्यू 2 रख के देखेंगे समीकरण में, x माइनस 1 x प्लस 1 ये दिया है, 2 रखेंगे x के जगह पे, 2 माइनस 1 इधर, 2 प्लस 1, 2 से 1 घटाएंगे कितना बचेगा, 1 मल्टीप्लाई 2 में 1 जोड़ेंगे 3 आएगा, 3 का 1 में मल्टीप्लाई होगा, 3 एक का में 3, यही हमारा क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा।